बड़वानी जिले के पलसुद पुलिस ने 5 देसी पिस्टल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के 4 लोगों ने पलसुद के उंडी खोदरी के 2 लोगों से हथियार खरीदे थे। आरोपियों से एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की गई है। पलसुद पुलिस ने अवैध हथियार बेचे जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उड़ी खोदरी में डिजायर कार के पास खड़े 4 लोगों से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि इन लोगों के द्वारा पलसुद के उंडी खोदरी निवासी 2 लोगों से 50,000 रुपए देकर 5 देसी पिस्टल खरीदी है। आरोपी गणों की निशानदेही पर उंडी खोदरी के पास नाले के अलग अलग स्थानों से 5 पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने ये हथियार बेचने के लिए खरीदे थे। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या मामला? दिनांक 25/8/2020 को मुखी द्वारा सूचना मिली थी कि यूपी से एक कार में कुछ लोग रामुंडी खोदरी अवैध हथियारों को खरीदने के लिए आए हुए हैं। इस सूचना को से श्रीमान निदेशक महोदय बड़वानी को अवगत कराया गया। श्रीमान निदेशक महोदय बड़वानी श्री मनीष अग्रवाल द्वारा एडिशनल SP श्रीमती सुनीता रावत के निर्देशन में थाना प्रभारी पलसुद रंजना गोखले के साथ ASI शेख, ASI दवाने, ASI महेंद्र चौहान और GL चौहान उप निरीक्षक, साथ ही आरक्षक दीपक, आरक्षक जगदीश के साथ एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा उंडी खोदरी में दबिश दी गई। जब दबिश देने पर एक UP 13BS 4161 नंबर की मारुति स्विफ्ट डिजायर कार मिली। कार में 4 लोग थे जो भागने का प्रयास किए। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया। पूछताछ कर उनको थाने लाया गया। काफ़ी हिकमत अमरी सुनने का पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो अवैध हथियारों को खरीदने के लिए ग्राम उंडी खोदरी आए थे। वहाँ से 50,000 रुपये में उनने 5 पिस्टल खरीदी हैं। उन पिस्टलों के बारे में जब बारीकी से थाना प्रभारी रंजना गोखले ने उनसे अपनी टीम के साथ पूछताछ की, उनने अवैध हथियारों को उंडी खोदरी के पास नाले में अलग अलग जगह छिपा कर रखना बताया। पुलिस द्वारा उन मेमोरेंडम के आधार पर उन 5 व्यक्तियों से 5 पिस्टल जब्ती की गई, जिसमें से गुड्डू नाम के जो आदमी से 2 पिस्टल, विजय से 2 पिस्टल और मनोज से 1 पिस्टल देसी पिस्टल जब्त की गई है। ये सभी चारों व्यक्ति जो हैं यूपी से एक कार को किराए पे करके लाए थे और इनकी पहले से यहाँ बातचीत चल रही थी। उसी बातचीत के आधार पर इनने 50,000 रुपये में 5 पिस्टल खरीदी। ये 5 व्यक्ति जो हैं यूपी के बुलंदशहर ज़िले के रहने वाले हैं और इसमें से आपस में 3 एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि इसमें गुड्डू नाम के व्यक्ति का कुछ पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिसके बारे में यूपी से जानकारी दी जा रही है। जान देने के लिए नहीं, पूछताछ में इन्हें बताया कि ये यहाँ से खरीद के वहाँ इनको ऊँचे दामों में इन पिस्टल को बेचने का इनका इरादा था। सर, और कोई खुलासा हो सकता बड़ा? अभी जिनसे इनने पिस्टल खरीदी है उस व्यक्ति की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है और उसको उसके मिलने पर हो सकता है कि संभावना है कि और कुछ अवैध हथियार बरामद हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।